तो हेलो दोस्तों, आप आ गए हो अपने इस यूनिवर्स की एक बहुत ही शानदार वीडियो पे। इस वीडियो में अपन इस फ्रूट की बात करेंगे। ये एक गांव में उगने वाला फ्रूट है। अब इसमें कई विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो इसकी स्मेल बहुत ख़राब है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक बेल जैसा एक पौधा होता है, उस पर उगता है। तो मैंने इसको निकाल के देखा। मैं इसके कई सालों से इसको नोटिस कर रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी इसमें। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना, इसमें अंदर दूध जैसा कुछ भरा हुआ रहता है और बीज टाइप कुछ रहता है, और कुछ महीनों बाद में इसके अंदर का जो दूध है वो फेदर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे रुई जैसा कुछ, और उसके नीचे बीज लगा हुआ रहता है। फिर वो आसपास उड़ते हुए आपने देखे होंगे, वो इसी से ही बनते हैं। या फिर वो होते हैं आंकड़े से, आंकड़े का पेड़ देखा होगा आपने, या फिर वो होते हैं इस पेड़ के। अब इसमें क्या सिस्टम है कि अब मैं इसको काट के दिखाता हूँ आपको। तो एक कटने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो बीज है ना, ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और इनके ऊपर अम्ब्रेला के जैसे कुछ फेदर्स आ जाएंगे। अभी देखोगे आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये रुई जैसे, ये फिर फैल जाएंगे, और फैलने के बाद में ये आसपास उड़ेंगे, जिनसे इनके बीज है ना ऑटोमेटिक यहाँ से ये लगभग 1-2 किलोमीटर दूर भी जाके और फिर ये उग सकते हैं। तो ये फ्रूट मैंने आज आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो फ्रूट है ना, ये सबसे तेजी से खुद के बीज को उगाने के लिए जाना जाता है। इसका बीज सबसे दूर दूर तक जा सकता है। एक एक इसके एक एक फल में कई हजारों बीज आते हैं, फिर वो सारे वातावरण में अपने उड़ जाते हैं, और वो बहुत अच्छे भी लगते हैं उड़ते हुए, बड़े सुंदर लगते हैं। तो फिर वो उड़ के जहाँ पे भी वो रेस्ट करते हैं, जहाँ पे भी वो रुकते हैं, वहां से ही नई बेल चालू हो जाती है। तो ये था अपना आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको ये समझाया है कि सबसे बढ़िया साइंस क्या होती है किसी भी पेड़ को उगाने की। ये नेचुरल साइंस है, ये प्रकृति के द्वारा ही बना सकते हैं। क्योंकि अब ये देखो ना, एक तरीके से एक बॉट टाइप ही हो गया, एक एजेंट है जो ले जा रहा है चीजों को। तो यहाँ पे एजेंट का काम कौन करता है, बी के जैसा गुच्छा बन जाता है, फिर वो ऊपर ऐसे फेदर्स टाइप रहते हैं, उनसे फिर वो बीज उड़ के कहीं भी लग जाता है। तो ये प्रकृति की एक बहुत ही अच्छी चीज लगी जो मैंने आज आपको शेयर की है। और अपन आगे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए इस चैनल पे लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। पिछली वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स था, उसके लिए थैंक यू जी। और आगे ऐसे ही आप साथ बनाए रखना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है।